यानी मेहंदी, एक ऐसा पौधा जिसके बिना दुल्हन का श्रृंगार अधूरा है, स्त्री की सुंदरता अधूरी है। कोई भी तीज त्योहार हो या फिर शादी ब्याह का मौका, महिलाएं डिजाइनर मेहंदी लगवाना खूब पसंद करती हैं। करवा चौथ, रक्षाबंधन, दीपावली हो या फिर भाई दूज, इन उत्सवों पर तो मेहंदी लगवाना एक रिवाज सा बन गया है। यानी मेहंदी भारतीय महिलाओं के मन के बेहद करीब है। मेहंदी का काम सिर्फ सजाना सवारना ही नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल दवाओं के रूप में भी होता है और डाई के रूप में भी। इसलिए किसानों के लिए मेहंदी की खेती फायदे का सौदा है। यानी कि ये मेहंदी सिर्फ हाथ ही नहीं रचती, बल्कि लाल लाल कमाई भी देती है। नमस्कार, मैं हूँ मोनालिसा, स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम कृषि विशेष में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मेहंदी के बारे में। तो आइए देखते हैं रंग लाएगी हिना। मेहंदी का वैज्ञानिक नाम लासोनिया इनार्मिस है। ये लाइर्थियेसी कुल का सदस्य है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन मध्य पूर्व और भारतीय उपमहाद्वीप में मानी जाती है। इसे त्वचा, बाल, नाखून, चमड़ा और ऊन रगड़ने के काम में प्रयोग किया जाता है। हाथों और बालों को खूबसूरत बनाने के काम में लाई जाने वाली मेहंदी गुणों की खान है। ये कई बीमारियों में औषधि का काम करती है। इसके पत्तों में टेनिन, बासोन, मैलिक एसिड, ग्लूकोज, मेलिटॉल और म्यूसिलेज जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये पौधा पूरे भारत में पाया जाता है। इसके अलावा ये मिस्र, अफ्रीका, अरब और ईरान जैसे देशों में भी मिलता है। भारत की बात करें तो मेहंदी उत्पादन में राजस्थान का राज है, खासतौर से पाली जिले की चार तहसीलों में। यहाँ की जलवायु और यहाँ की मिट्टी और यहाँ का वातावरण और यहाँ की जो क्लाइमेट है, सभी को मिलकर के ये मेहंदी के अनुकूल होने के कारण ये मेहंदी पूरे विश्व के अंदर सोजत के पाली जिले की चार तहसीलों में पैदा होती है। सोजत तहसील, जैतान तहसील, रायपुर तहसील और मारवाड़ तहसील, ये पाली जिले की चार तहसीलों के अंदर 80% जितनी कृषि भूमि है उसके 80% मेहंदी पैदा होती है। और ये साल में बारिश के ऊपर मेहंदी निर्भर होती है। साल में एक फसल आती है और ये बारिश के ऊपर ही निर्भर होती है। मेहंदी एक झाड़ीदार पौधा है। एक बार लगाने के बाद ये सालों साल पैदावार देता रहता है। इसकी फसल सितंबर से अक्टूबर तक काट ली जाती है। फरवरी में फिर से पौधा स्फुटन करने लगता है। श्रृंगार के साथ ही मेहंदी का आयुर्वेदिक महत्व भी है। मेहंदी के पत्तों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनसे खाद्य पदार्थों को दूषित करने वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। महिलाएं त्योहार, उपवास और किसी विशेष पर्व पर सोलह श्रृंगार करती हैं। मेहंदी को बहुत ही शुभ माना जाता है। मेहंदी ठंडी होती है। सावन के महीने में इसे लगाने पर शरीर में ठंडक का एहसास होता है, जिससे तनाव भी कम होता है। इसके अलावा सावन में बारिश होने की वजह से कई बीमारियां फैलने लगती हैं। आयुर्वेद में हरे रंग का बहुत महत्व है। ये कई बीमारियों की रोकथाम करता है। इस वजह से सावन में मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है। सोजत की मेहंदी हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि इसमें एक लॉसन कंटेंट नाम का एक पिगमेंट होता है मेहंदी की लीफ में, जो कि नेचुरल रेड कलर डिलीवर करता है। वो विश्व में सबसे ज्यादा अबाउट 2% हमारी सोजत की मेहंदी में होता है। और उसका मेन रीजन ये है कि सोजत के आसपास का जो जलवायु है और यहाँ की जो सॉइल है, मिट्टी है, उसका और रेन वाटर का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एक ऐसा अच्छा कॉम्बिनेशन है कि सबसे बेस्ट मेहंदी सोजत की ही होती है। और इस बेस्ट मेहंदी होने के कारण हमारे प्रयासों से, मैं मेहंदी व्यापार संघ समिति का सचिव भी हूँ, हमारे प्रयासों से हमने GI टैग भी लिया, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मेहंदी बनाने के लिए इसकी पत्तियों को सुखाकर पीसा जाता है, फिर उसका पेस्ट लगाया जाता है। कुछ घंटे लगने पर ये रच कर लाल मेरून रंग देती है। इसका रंग हफ्ते भर तक चलता है। जी हाँ, तो मेहंदी सिर्फ श्रृंगार ही नहीं करती, बल्कि इनमें आयुर्वेदिक गुण भी पाए जाते हैं। यही वजह है कि किसान बढ़ चढ़कर मेहंदी की खेती में रुचि दिखा रहे हैं। भारत में जहाँ खेती किसानी को मुनाफा देने वाला सेक्टर नहीं माना जाता,
क्या आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो प्रचलित फसलों को छोड़कर मेहंदी जैसी अच्छी मांग वाली फसलों की खेती कर रहे हैं और लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं मेहंदी की खेती के बारे में, बताते हैं आपको मेहंदी की खेती से जुड़ी वो बारीकियाँ जिनका ध्यान रखने पर किसान मालामाल हो सकते हैं। ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जिनकी खेती कर किसान मालामाल हो सकते हैं। हिना यानी कि मेहंदी भी इन्हीं में से एक है। मेहंदी की खेती पूरे विश्व में की जाती है, लेकिन राजस्थान का पाली, सोजत और मारवाड़ इलाका इसके उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। मेहंदी का बीज आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसके अलावा सरकारी उद्यानिकी विभाग या अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ले सकते हैं। व्यावसायिक खेती के लिए पौधरोपण विधि ही सर्वोत्तम है। एक हेक्टेयर जमीन पर रोपाई के लिए करीब 6 किलो बीज से तैयार पौधे पर्याप्त होते हैं। पौधशाला में क्यारियों को अच्छी तरह तैयार करना और मार्च में बीज बो देना है। वैसे तो मेहंदी हर एक तरह के मौसम में उगाई जा सकती है, लेकिन इसका पौधा शुष्क से उष्णकटिबंधीय और सामान्य गर्म जलवायु में अच्छी वृद्धि करता है। रोपाई से पहले खेत को अच्छी तरह समतल कर लें, फिर डिस्क या कल्टीवेटर से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें। आखिरी जुताई के समय 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद और 250 किलो जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला लें। साथ ही 60 किलो नाइट्रोजन और 40 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से खड़ी फसल में डालें। फास्फोरस की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा पहली बरसात के बाद निराई गुड़ाई के समय दे दें। बाकी नाइट्रोजन 25 से 30 दिन बाद बारिश होने पर दें। जुलाई तक ये पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। अच्छी बारिश होने पर पौधशाला से पौधे उखाड़ लें और सिक्रेटियर की मदद से थोड़ी थोड़ी जड़ और शाखाएं काट दें। खेत में नुकीली खूंटी या हलवानी की सहायता से कतारें बनाएं और हर कतार में 50 सेंटीमीटर के फासले पर छेद बनाएं। रोपाई इन्हीं छेदों में होगी। हर छेद में एक या दो पौधे रोपकर जड़ के पास मिट्टी को अच्छी तरह दबा दें। पौध लगाने के बाद अगर बारिश ना हो तो सिंचाई भी करनी होगी। मेहंदी में समय पर निराई गुड़ाई करके प्रभावी रूप से खरपतवार नियंत्रण करना होगा। इससे खेत में नमी ज्यादा देर तक बनी रहेगी, पत्तियों की संख्या बढ़ेगी और पतझड़ भी नहीं होगा। पत्ती उत्पादन और गुणवत्ता की दृष्टि से पुष्पावस्था में कटाई करना सबसे अच्छा माना गया है। आमतौर पर मेहंदी की कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। कटाई तेज धार वाले हाशिए से हाथ में चमड़े के दस्ताने पहनकर की जाती है। कटाई के 18 से 20 घंटे तक मेहंदी को खुला छोड़ दें और इसके बाद इकट्ठा करके ढेरी बना लें। ऐसा करने से मेहंदी की गुणवत्ता में सुधार आता है। सूखने के बाद हाथ या डंडे से पीटकर या झाड़कर पत्तियों को अलग कर लें। पत्तों की झड़ाई का कार्य पक्के फर्श पर करना चाहिए। पहले साल केवल 5 से 10% उत्पादन ही प्राप्त हो पाता है। पूरा उत्पादन रोपाई के 3 से 4 साल बाद ही मिलना शुरू हो पाता है और फिर 20 से 30 साल तक उत्पादन मिलता रहेगा। सामान्य स्थिति में फसल से हर साल 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सूखी पत्तियां मिल जाती हैं। कई बार कुछ पौधे दीमक, जड़ गलन या दूसरी वजहों से सूख जाते हैं। इनकी जगह समय समय पर नए पौधे रोपते रहें। ऐसा नहीं करेंगे तो उत्पादन घट सकता है। कटाई के बाद मेहंदी को सूखी और हवादार वाली जगहों पर 3 से 4 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। उसके बाद इसे सुखाते हैं और डंठलों से पत्तों को झाड़कर अलग कर लेते हैं। पत्तों को झाड़ते समय जमीन पर त्रिपाल बिछाएं ताकि इसमें मिट्टी या कंकड़ ना मिल सके। साफ पत्तियों को बोरी में भरकर उसकी बिक्री की जाती है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि विशेष में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा रंग लाएगी हिना। आप बने रहे दूरदर्शन के साथ पर। संस्थान यूं ही नहीं बनते, ये श्रेष्ठ बनते हैं शिक्षा से, समाधान से, संरक्षण, उपचार और अनुसंधान से। किसानों की समस्या हो या फिर पशुपालन की,
या फिर कृषि उद्यमी के उद्योग लगाने तक का सफर, आपके हर सफर में आपका हम सफर। देखिए श्रेष्ठ संस्थान हर रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 पर, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे तक। पूरी तरह से एक बारानी फसल है, यानी कि ये फसल महज बारिश के पानी से ही हो जाती है और इसमें कीट बीमारियों की कोई खास शिकायत नहीं होती। हाँ, मजदूरी थोड़ी ज्यादा लगती है, खास तौर पर कटाई के दौरान। बेहतर फसल के लिए अच्छी और लगातार बारिश जरूरी है। जिस साल बारिश कम होती है उस साल इसकी पैदावार घट जाती है। मुख्य तो ये खरीफ की फसल है और वर्षा आधारित फसल है। इसको ज़्यादा बारिश में जैसे लगातार अगर बारिश होती रहेगी तो पैदावार बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। इसके लिए खेत को तैयार करके 6 बीज प्रति हेक्टर अगर उसका पौध तैयार करके इसको 30x30 प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस है और रो टू रो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा देते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में तो इसकी पैदावार नहीं के बराबर ही होती, 5-10%। लेकिन जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसका प्रोडक्शन भी बढ़ता जाता है। एक बार लगाने के बाद कम से कम 40-50 ईयर तक मेहंदी पैदावार देती रहती है। जो यहाँ की मेहंदी है वो नेचुरल, अगर मेहंदी का आपको कलर जो होता है वो बारानी खेती से मिल पाता है। अगर आप उसमें इरिगेटेड करेंगे तो उसमें जो लोशन की मात्रा है वो 2% से कम हो जाती है, उससे कलर जो नेचुरल आना चाहिए वो नहीं आ पाता और उसकी रेट भी मार्केट में कम मिलती है। मेन इसमें जो समस्या अभी आ रही है वर्तमान में, सबसे इसमें लेबर कॉस्ट जो है ना वो सबसे ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि इसमें स्किल लेबर ही इसकी कटाई कर सकती है। तो अभी वर्तमान में आप देख रहे हो पीछे मेरे साइड में जो मेहंदी कट रही है उस लेबर की कॉस्ट अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो करीबन एक लेबर की 1500 से भी वो इनकी रेट हो जाती है प्रतिदिन की। तो अगर ये ऐसे हार्वेस्टर कुछ निकले हैं लेकिन वो इतने सक्सेसफुली नहीं है, उस वजह से लेबर कॉस्ट जो है मैनुअल बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए किसानों को उसका बेनिफिट थोड़ा कम मिल पाता है। मेहंदी में आमतौर पर दो तरह की समस्याएं आती हैं, एक तो पत्ती छेदक कीट की और दूसरी दीमक की। ये दोनों ही मेहंदी का उत्पादन कम कर सकते हैं, इसलिए समय रहते समस्या का समाधान कर लेना चाहिए। दूसरी ओर मेहंदी भले ही बारिश पर निर्भर हो लेकिन कटाई के समय बिल्कुल भी बारिश नहीं होनी चाहिए। ज्यादा तो कुछ कीड़े बीमारी ऐसे लगते नहीं है लेकिन पत्ती छेदक एक मुख्य इसमें समस्या रहती है, जो पत्तियों को खा जाते हैं उससे प्रोडक्शन कम हो जाता है। दूसरा इसकी जड़ों में दीमक का थोड़ा सा प्रकोप रहता है, इसलिए हम किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं कि सिंचित अगर आपकी मेहंदी है तो उसमें 4 क्लोरोपाइरीफॉस 20 cc जो आता है वो इरीगेशन के साथ दे के दीमक का कंट्रोल किया जा सकता है। इसी प्रकार जो पत्ती छेदक कीड़े हैं उनकी रोकथाम के लिए कुनाल पॉस लिक्विड भी आता है, डस्ट भी आता है, उसका यूज करके अपन उसका कंट्रोल आराम से कर सकते हैं। मेहंदी की कटाई का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त मजदूरों की आवश्यकता होती है। मेहंदी में कांटे होते हैं जो कटाई के दौरान हाथ में चुभ सकते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त मजदूरों की संख्या कम है, यही वजह है कि उनकी मजदूरी बहुत ज्यादा है। समस्या ये भी है कि हमारे किसानों के पास मेहंदी की निराई गुड़ाई या फिर कटाई के लिए कोई मशीन उपलब्ध नहीं है। गोवर्धन लंबे समय से मेहंदी की खेती कर रहे हैं, ज्यादा मजदूरी से वो भी परेशान है। पहले तो हम इसमें कोई छोटे छोटे घास होती है ना, बारिश नहीं आती है उससे पहले हम छोटे छोटे कोई घास होती है उसको बाहर निकालते हैं, फिर उसके बाद में बारिश आने के बाद गुडाई करते हैं, गुडाई का काम करते हैं। गुडाई का काम करने के बाद उसमें कोई हल्की सी घास और हो गई होती तो उसमें फिर बाहर निकालनी पड़ती, फिर इकट्ठा करके बाहर डालना पड़ता है। इसमें एक तो गुडाई में दिक्कत आ रही है बहुत, उसके लिए कोई मशीनरी हो तो उसके लिए अच्छा रहेगा, तो ताकि क्या है कि वो
खर्चा कम आएगा और हाथ से गुड़ाई करने में खर्चा ज़्यादा आता है और ये कटिंग में इसमें समस्या बहुत ज़्यादा आती है, हाथ से कटिंग करना पड़ता है। नहीं तो हाथ से कटिंग करते हैं, अब आज 1700 रुपया है हमारे लेबर का, मशीन हो जाएगी तो उससे थोड़ा कम खर्चा आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आती है मेहंदी कटिंग की, क्योंकि यहाँ पे एकदम स्किल लेबर होती है वही मेहंदी काट सकती है, क्योंकि झाड़ीदार फसल होती है उसको काटने के लिए जोर भी लगाना पड़ता है, हाथ से काटनी पड़ती है, जोर भी लगाना पड़ता है और अपने दूसरे हाथ को बचाना भी पड़ता है। तो अगर अनजान लेबर आएगी तो अपना हाथ कटवा बैठती है, तो इसमें अभी तक आज तक कोई मशीन डेवलप नहीं हुई, उसकी वजह से थोड़ा प्रोडक्शन डिले होता है खेतों में और उसकी वजह से लेबर कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाती है, लेबर की डिमांड ज़्यादा रहती है और स्किल लेबर बहुत कम मिलती है। हालांकि पिछले कुछ 4-5 सालों से यूपी बिहार के लोग भी आके यहाँ मेहंदी काटने लगे हैं, उससे थोड़ा रिलीफ है, लेकिन आज भी कटिंग कॉस्टिंग ज्यादा है और कभी कभी फार्मर को अपना पैसा भी लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता है। मेहंदी एक झाड़ीदार पौधा है और इसकी इसी रूप में मान्यता है। किसान चाहते हैं कि इसे कृषि जीन्स का दर्जा दिया जाए ताकि मेहंदी किसान भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि मेहंदी के किसानों को आप ऐसी योजनाएं लाए जिससे किसान इससे 2 पैसे कमा सके और किसान खुशहाल हो सके। मैं सरकार से पूर्व में कई बार निवेदन किया जा चुका है और कई बार पत्राचार के माध्यम से उनको अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है कि हमारी मेहंदी एक कंटीली झाड़ी के रूप के अंदर सरकार मान रही है। तो मैं इस संबंध में कई बार भी पत्राचार किए गए और इसे डीडी चैनल के माध्यम से आज मैं पुनः निवेदन करता हूं कि हमारी मेहंदी को कृषि जींस फसल घोषित करावे और उसे सरकारी जो योजना है उस सबका लाभ किसानों को मिले। किसान संघ जो भी है वो इसको इंश्योरेंस में फसल मानने के लिए और इंश्योरेंस में कवर के लिए काफी संघर्षरत है, लेकिन अभी तक इसको अधिसूचित फसलों की श्रेणी में नहीं लिया हुआ है तो इसी वजह से उनको क्रॉप इंश्योरेंस नहीं मिल पा रहा है। अगर किसानों को, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लॉस है वो कटाई के समय अगर आपके हल्के से बादल भी हो जाते हैं या बारिश हो जाती है तो आपके उसका रिजल्ट या पैदावार जीरो मान लो, उसका कोई भाव मार्केट में नहीं मिल पाता है। तो अगर इसको फसल के रूप में माने और इंश्योरेंस में कवर आ जाए तो किसानों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। अच्छी बात ये है कि सोजत की मेहंदी को GI टैग मिल चुका है, इससे सोजत के नाम पर नकली उत्पाद बेचने की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सकेगा। राजस्थान का पाली जिला मेहंदी के व्यापार का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ पर मेहंदी की कई फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ मेहंदी की पत्तियों को सुखाया जाता है, उनका पाउडर बनाया जाता है और फिर पैक करके दुनिया भर में इसका निर्यात किया जाता है। राजस्थान के पाली जिले में करीब 40,000 हेक्टेयर पर मेहंदी की खेती हो रही है और पैदावार भी लगभग 40,000 टन ही है। खासतौर से जिले की 4 तहसील मेहंदी का गढ़ है। ये हैं सौजत तहसील, जैतरान तहसील, रायपुर तहसील और मारवाड़ तहसील। 80% मेहंदी इन्हीं 4 जगहों पर उगाई जाती है। इनमें भी सौजत सबसे महत्वपूर्ण है, इसी वजह से सौजत को मेहंदी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सौजत पूरे विश्व में मेहंदी उत्पादन और विपणन की प्रमुख मंडी है। मंडी में किसान मेहंदी लेकर पहुँचते हैं जहां व्यापारी फसल की बोली लगाते हैं। सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले व्यापारी को किसान अपनी फसल बेच देता है। सौजत क्षेत्र में मेहंदी का पाउडर बनाने और इसकी सफाई के लगभग 50 से 60 कारखाने हैं। इन कारखानों के मालिक अपना उत्पाद तैयार करके भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं। आजकल हर्बल उत्पादों की मांग बढ़ने लगी है, इसी वजह से भारतीय मेहंदी की मांग भी बढ़ रही है। सौजत की मेहंदी करीब 130 देशों को भेजी जा रही है। सबसे ज्यादा निर्यात मध्य पूर्व में है। मेहंदी का मार्केट बहुत बड़ा है आजकल। मेहंदी जैसे जैसे लोग हर्बल्स की ओर डाइवर्ट हो रहे हैं तो मेहंदी का डिमांड तो बढ़ता ही जा रहा है। एक्सपोर्ट तो ये ओवरऑल अभी तो पूरे वर्ल्ड के सारे कंट्रीज में मेहंदी एक्सपोर्ट होने लगी, लगभग 130 कंट्री में, लेकिन सबसे बड़ा मार्केट इसका मिडल ईस्ट है। जो भी कंट्रीज जो आजकल हर्बल्स की ओर डाइवर्ट हो रही है, जो नेचुरल की ओर डाइवर्ट हो रही है, वो सब मेहंदी मंगाने लग गए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। यहाँ एक बात जानना बहुत जरूरी है, मेहंदी सिर्फ लाल रंग की होती है, काली मेहंदी नाम की कोई चीज नहीं होती। बाजार में जो उत्पाद काली मेहंदी के नाम से बिक रहे हैं उनमें कुछ और भी केमिकल मिले होते हैं। सौजत के व्यापारियों का कहना है
की काली मेहंदी से उनके कारोबार को नुकसान हो रहा है। काली मेहंदी नाम की कोई चीज नहीं होती है, मेहंदी सिर्फ लाल और लाल कलर छोड़ती है। जितने भी लोग काली मेहंदी के नाम से मेहंदी बेच रहे हैं वो केमिकल मिला के बेच रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी पीड़ा है, वो कब खत्म होगा पता नहीं। हम सरकार से कई बार अपील कर चुके हैं। कुछ लोग कुछ दूसरी पत्तियों में एक पिक्रामिक एसिड आता है, वो पिक्रामिक एसिड वो लाल कलर छोड़ता है, जो कभी पहले चमड़ों को रंगने में काम आता था उसको इसमें काम में लेने लग गए। वो एक विस्फोटक पदार्थ भी है, वो उसमें काम में लेने लगे। मेहंदी के नाम से बेचने तो जितना मेहंदी का शेयर होना चाहिए मार्केट में वो शेयर वो खा जाती है। तो इसकी वजह से हमारी मेहंदी को थोड़ा वॉल्यूम कम मिल रहा है पिछले कुछ 5-7 सालों से। ये हमारी बहुत बड़ी पीड़ा है। मेहंदी को आप आसानी से बेच सकते हैं, ज्यादातर किसान मंडियों का ही रुख करते हैं। इसके अलावा औषधीय उत्पाद बनाने वाली कंपनी या एजेंसियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए भी किसानों से सौदा कर रही हैं, जिससे किसानों को इसका और भी लाभ मिल सके। कटी कुचली गई पस्कर, छिनी भीगी गुधी मेहंदी, जब इतने दुख सहे तब उनके कदमों से लगी मेहंदी। जी हाँ, महिलाओं को सजाने सवारने के लिए मेहंदी को कम मशक्कत नहीं करनी पड़ती, लेकिन जरा सी मशक्कत से ही ये मेहंदी किसानों के जीवन में रंग भर सकती है। इसी के साथ आज के कृषि विशेष में बस इतना ही। कार्यक्रम कृषि विशेष से संबंधित अपने सुझाव आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहें तो हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishivishesh@gmail.com। कृषि विशेष की अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।